हेलो कैंसर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगी, जहाँ पर भी हैं खुश होंगे। एंड जैसे जैसे ये मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके साथ, वापस आ रही हूँ मिलने, आप लोग खुश भी होंगे कि मैं वापस आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो कैंसर, देर वॉज़ अ वेरी बिग पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मी ऑल्सो, जिसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ये फेज सबकी लाइफ में एक ना एक बार आता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, एडजस्ट करना सीखना पड़ता है। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी कुछ। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे साथ कम्युनिटी में जुड़े हैं, वो लोग तो जानते ही होंगे ऑलरेडी, या जान गए होंगे अगर आप लोग कम्युनिटी चेक करते हैं तो, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ओके कैंसर, ये है आपकी जून की जनरल रीडिंग, जनरल एनर्जी। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। फर्स्ट कार्ड, ओके टावर। कैंसर, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात है यहाँ पे। ओके नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पास्ट में देख रहे हो कोई चीज़ थी जिसने आपको बहुत दुख दिया। और यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स, इसको ओके जगल कर रहे हो। कोई चीज़ है जो ऑलरेडी हो चुकी है कैंसर, और उसको लेके आप काफ़ी इमोशनल हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक। बहुत इमोशनल हो और बहुत मेंटली थका हुआ फील कर रहे हो खुद को, स्ट्रेस्ड, थका हुआ। अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है, बहुत चल चुके हैं, बहुत चीज़ें देख चुके हैं, एक कदम भी आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन जो अभी दिमाग है लॉजिकल चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है। ये सोच रहे हो या तो मैं ये करूं या तो मैं कुछ और चीज़ को कर लूं। डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है आपके लिए, और ये डिसीज़न आपके लिए लेना उतना ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर इमोशनल वेलबींग। आई सी दिस हियर। तो मैं देखूं कि ये टावर, सबसे पहले तो ये टावर क्यों है आपके लिए? थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन है ये, लेकिन ये जो भी बैड इवेंट है जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है, ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है, ये पास्ट में है। जून की एनर्जी नहीं है, दिस इज़ द गुड थिंग, आप उससे बाहर निकल गए हो, बट अभी भी उसे देख के दुख में तो हो। जून में भी इसके बारे में सोच रहे हो। ओके यहाँ पे स्टार है, स्टार किसी फीमेल के बारे में है, ये एक्वेरियस उनका साइन हो सकता है, या आपकी कोई विश, कोई इच्छा जिसके जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और क्या हो सकता है ये? कोई घर की फीमेल हो सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, जिसको आप बहुत टाइम से चाहते थे, जो ऐसी नहीं निकली जैसा आपने सोचा था। लेट्स सी मोर, ये टावर क्या है? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अनरेस्ट की सिचुएशन हुई। आपने सोचा था कि बहुत अच्छे से निपट जाएगा, लेकिन कुछ लड़ाई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन दिख रही है आपस में विद द लव्ड वंस। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एक्वेरियस का साइन बहुत सिग्निफिकेंट है, तो जो भी चीज़ें थी, जैसे टावर सिग्निफाई करता है क्रम्बल डाउन, वो टूटी नए सिरे से अब बनने के लिए दोबारा। टावर का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, कभी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। इसका बस ये मतलब है कि वो अभी के लिए नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो रिफ़्रेश होके एक नया रूप लेके आपकी ज़िंदगी में आएगी, और भी बेहतर बन के। तो इसको देख के टेंशन लेना, आपका स्ट्रेस लेना, मैं समझ सकती हूँ। डेफिनेटली काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट था इससे, क्योंकि ये आपकी विश थी, आपकी ड्रीम थी, ये जो भी चीज़ थी, या आपकी बहुत ही कोई प्यारी चीज़ थी जिसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका एक एंड हुआ, और फ्यूचर में भी आप कोई डिसीजन ना ले पाने की एनर्जी है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही शॉक में हो, जिसे कहते हैं ना, ये इमोशनल ट्रॉमा आपको लगा, तो लॉजिकल सोचने की शक्ति थोड़ी सी कम हो गई।
और डिसीजन नहीं ले पाना बहुत नेचुरल है, मैं आपको कैसे भी ब्लेम नहीं करूँगी। एंड प्लीज़ माइंड, ये सिर्फ एक मंथ की है एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी लाइफ ही ऐसे जाएगी। बी ऑप्टिमिस्टिक, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो हर एक सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी यहाँ पे ओरेकल के पास क्या मैसेज है फॉर यू। एंड वी हैव नॉट द राइट टाइम। कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप सोच रहे थे कि मैं अभी नया शुरू कर लूँ, तो उसके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये समय ठीक नहीं है कुछ भी नई चीज़ शुरू करने के लिए। और जो पीछे हो चुका उसके बारे में भी बार बार सोच के दुखी होने का भी ये सही टाइम नहीं है। आपको फॉरवर्ड मूव ऑन करना ही करना है, उससे मूव ऑन करने से ही सलूशन मिलेगा चीज़ों का। लेट्स सी अभी रोमांस एंजल्स के पास आपके लिए क्या फाइनल मैसेज है। एंड वी हैव वेडिंग, पार्टनरशिप, कोई बहुत ही प्यारी पार्टनरशिप की बात हो रही है यहाँ पे। डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की बात है। मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल से बहुत बहुत ट्रबल्ड रही होगी आप दोनों की इक्वेशन, तभी ऐसा हो पाया, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर का साइन एक्वेरियस भी हो सकता है। और अभी ये सिचुएशन में हैं, साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं वो समझ ना पाने के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे। दिस इज़ दी फाइनल पीस इन द पज़ल। तो ये डेफिनेटली एक शादी की बात है। हो सकता है कि आप लोग की कोई शादी तय हो ऑलरेडी और वो पोस्टपोन हो गई हो, वो भी सिचुएशन है। और डेट कब नेक्स्ट फिक्स करी जाए उसके लिए अभी आपने समझा कि ये टाइम करेक्ट नहीं है वेडिंग के लिए। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर द वेडिंग। एंड इसको लेके मन बहुत डाइसी है, क्योंकि आप लोग जल्दी से जल्दी साथ रहना चाहते हैं और ये जो बीच में डिस्टेंस है इसको हटाना चाहते हैं। तो दिस इज़ टोटली अप टू यू, आप क्या डिसाइड करते हैं। क्लैश ऑफ व्यूज रहे होंगे, ओपिनियंस रहे होंगे, डिफ़िकल्ट है नो डाउट, बट इससे आप बाहर निकल जाएंगे। ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है यहाँ पे, सब टेम्प्रेरी है, सब माइनर आर्काना है। सो आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताएगा कैसे लगी है आपको रीडिंग कैंसर। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगले महीने। बाय।